होता था, मोमेंटम जो होता है पीछे टूट किया जाता है, और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज कीजिए कि जब एक हैवी बॉडी लाइटर बॉडी टकराती है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है, और उसके मोमेंटम में चेंज आने से कुछ क्वांटिटी बनती है उसके अंदर, जिसे हम फोर्स कहते हैं। और इसी को देखते हुए, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन पीरियड टाइम को देखते हुए ही न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, और जिस लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने मोमेंटम एंड के चेंज के बारे में विद रेस्पेक्ट टू टाइम उन्हें बताया था क्या इफेक्ट होता है फोर्स पर उसका। सो लेट मूव टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ऑन मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। क्या मतलब हुआ इसका कि कितना चेंज दिए टाइम पीरियड में मोमेंटम में आ रहा है वही हमारा फोर्स होती है, वही फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो लेट अस टेक चेंज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एम यू एंड फाइनल मोमेंटम एम बी। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम बी माइनस एम यू।
टाइम टेकन सो एफ ए ट्रैफिक इक्वेशन टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी टेकिंग एम कॉमन एफ ए ट्रैक्टिव क्वेश्चन टू एम बी माइनस यू अपॉन टी एट एच में पता है वी माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है एफ ए ट्रैक्टिव क्वेश्चन टू एम ए बिकॉज A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी एंड हम जब प्रोपोर्शनलिटी के साथ चलाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो F इज इक्वल टू के एम ए वेयर के इज कॉन्स्टेंट Whose value is equal to 1. So force is equal to ma. Force equal to m into a. Mass into acceleration. तो इस तरीके से हमें second law of motion से force का formula मिला. Force का formula in term of mass and acceleration. So force is equal to ma second law of motion of motion gives the formula of motion in term of the mass and acceleration जो second law of motion होता है वो हमें formula देता है in term of mass and acceleration force के लिए and यहाँ देखिए force is equal to ma then a is equal to F अपॉन M इस बात से क्या पता चलता है कि जो फोर्स है वो एक्सलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एक्सलेशन एंड मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस बात से हमें भी पता चलता है कि एक्सलेशन बढ़ेगा तो फोर्स ज़्यादा होगी फोर्स ज़्यादा हो गई तो एक्सलेशन ज़्यादा होगा और वहीं अगर मास का
होगा तो एक्सलेशन ज़्यादा होगा, और वहीं मास ज़्यादा हुआ तो एक्सलेशन कम होगा बिकॉज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सलेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। And inversely proportional to mass of a body and inversely proportional to the mass of the body, mean with increase in force acceleration increase and with increase in mass acceleration decrease, with increase in force with increase in F acceleration A acceleration increase and acceleration at decrease with increase in mass, acceleration decrease with increase in mass। तो यहाँ से देखते हुए let's come to SI unit of force is Newton। Force is Newton। जो SI unit होते हैं force की उसे हम Newton से नोट करते हैं N से। And 1 newton कितना फोर्स होता है, 1 newton हाउ मच फोर्स इज दैट, 1 newton फोर्स जिससे भी हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का एम ए, तो 1 newton फोर्स हम किसको बोलेंगे, कोई एक बॉडी 1 kg का बॉडी, एक 1 kg की बॉडी में जब कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडीशन से उसमें एक्सेलरेशन देता है 1 cm² का, तो ऐसी कंडीशन में जो उसमें फोर्स बनता है तो वही 1 newton के बराबर होता है।
तो इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रिंट within the body of 1 kg trained within a body of 1 kg and produce the acceleration and produce the acceleration of 1 m/s². And type of quantity force is answer is that force is a vector quantity. Force is a vector quantity. It is simply because हम जब force को define करते हैं तो केवल magnitude काम नहीं चलता, हमें magnitude साथ उसको direction भी बताना पड़ता है कि किस हमने जो force लगाई है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है. सम एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एप्लीकेशन एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिकेट प्लेयर लोअर्ड हिज हैंड while taking catch second high jumper take their landing take the landing on cushions or soft sand. And third, while driving a car, seat belts
आर प्रोवाइडेड टू अस, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू अस, दीज आर थ्री एप्लीकेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाई वन। फर्स्ट एप्लीकेशन थी क्रिकेट प्लेयर लोअर एजेंट, क्रिकेट प्लेयर लोअर एजेंट फॉर टेकिंग कैच वेल टेक फॉर टेकिंग कैच, जैसे यहां पर बॉल आ रही थी, एक ये बॉल इसके पास कुछ मास होगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी u, इस वेलोसिटी इससे आ रही है, दैट इज वेरी हाई, और ये हो सकता है कि ये इसे इंजर भी कर दे। इतना ज़्यादा हाई वेलोसिटी अगर हम बॉल को कैच करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स देगी, क्योंकि हमने जैसे देखा है मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो एकदम से जीरो होगा, और वो एकदम से इतना ज़्यादा जीरो हो जाएगा तो वो हमारे हाथों को इंजर भी कर सकता है, उस क्रिकेट प्लेयर के हाथों को इंजर भी कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है कि अपने हैंड्स को थोड़ा लोअर लेता है वाइल टेकिंग द कैच, ही टेक लोअर हिज हैंड्स। मैं इंजर्ड हूं, तो उसने क्या किया, उसने जब बॉल आ रही थी एम की स्पीड से उसको थोड़ा लोअर किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेने की कोशिश की और तब जाके उसे कैच किया उसे, एंड इसके लिए उसने टाइम टी इंक्रीज कर दिया। टाइम टी इंक्रीज करने से क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा है जो फोर्स होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड की, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, तो इस तरीके से उसने थोड़ा टाइम इंक्रीज किया और टाइम इंक्रीज करते समय कैच को यूं लेते समय यूं लेकर कैच लिया उसने, तो उसे टाइम इंक्रीज हुआ और टाइम इंक्रीज होने से उसे कम इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। जब एफ जब टाइम पीरियड होगा तो फोर्स विल बी लेस, मोर इज द टाइम टाइम लेस इज द मोमेंटम, एंड less will be the force and less will be the force।
सेकंड, चंपट टेक टेक देयर लैंडिंग ऑन द सॉफ्ट किचन्स और सेंट। जो हाई जंपर्स होते हैं ये लंबी कूद लगाने वाले, तो उनके लिए क्या होता है कि हम पहले मिट्टी को थोड़ा खोद लेते हैं, मिट्टी को या सॉफ्ट कर लेते हैं या तक्की लगा देते हैं बहुत सारे, जिससे क्या होता है कि जो मोमेंटम है वो लेस हो जाता है और फोर्स कम लगती है, और इससे उनकी लैंडिंग जो होती है वो इजी हो जाती है और विदाउट हार्म। जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन था यहाँ से ये इधर से रन करता हुआ, रनिंग रन किया और रन करने के बाद में यहां से एक जंप लिया, जंप लेते हुए ये यहां पे आके गिरा। इधर हार्ड सरफेस थी, हार्ड सरफेस से क्या हुआ तो इससे इससे जब वो हार्ड सरफेस पर गिरा तो गेट इंजर्ड, गेट इंजर्ड। गेट इंजर्ड क्यों, इसका रीजन क्या रहा? सपोज कीजिए कि यहां से इसका जो कुछ मोमेंटम रहा होगा एम वी, इसने कुछ मोमेंटम इंक्रीज किया और इंक्रीज होकर के वहां पर उसका विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम जो एम वी से, यहाँ से एम यू होना चाहिए, एम बी जो था तुरंत जीरो हो गया इन लेस पीरियड टाइम इन अ वेरी लेस टाइम। और देखिए जब टाइम कम होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर कम टाइम में मोमेंटम चल रहा है तो मतलब फोर्स भी उस पर ज़्यादा लग जाएगी, जब उसे फोर्स ज़्यादा लगा तो उसे इंजर्ड हो गया। इसी इंजरी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर क्विजन्स या फिर मिट्टी को पहले से थोड़ा खोद लेते हैं। इससे फ़ायदा में क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि क्विजन्स और सॉफ्ट सैंड इंक्रीज द टाइम, क्विजन्स और सेंट जो होते हैं ये दोनों इंक्रीजेस द टाइम एंड रिड्यूस दी मोमेंटम एंड रिड्यूस
का मोमेंटम और मोमेंटम को रिड्यूस कर देती है। इस तरीके से जब हाई जंपर्स होते हैं वो सेफ लैंडिंग ले सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा जब कोई छत से गिरता है तो उसे चोट पहुंचा लग जाती है। इट इज सेम रीजन बिहाइंड इट, क्यों? क्योंकि वहां पर एक साथ बहुत सारा मोमेंटम जीरो हो जाता है और इस मोमेंटम जीरो होने की वजह से जो फोर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जब बहुत ज़्यादा फोर्स हाई फोर्स लगती है तो वो क्रैक बोन क्रैक भी कर सकती है या फिर और भी ज़्यादा हाई डैमेज कर सकती है। थर्ड, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड विथ कार्स। टू अवॉइड द इंजरी, इंजरीज को अवॉइड करने के लिए कार के अंदर हमें सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्वेश्चन आइजेस, हाउ द सीट बेल्ट वर्क और हाउ सीट बेल्ट वर्क टू रिड्यूस द इंजरी और एक्सीडेंट हो किस समय या फिर हम ब्रेक लगाने के समय हमें कैसे हेल्प कर सकती है? तो ये देखिए रहा सीट बेल्ट्स। ये ड्राइवर है, तो इस हमारे इस ड्राइवर ने सीट बेल्ट लाके रखी है, तो सीट बेल्ट लगा के चला। मूव तो जब ये चला तो ऐसी कंडीशन में इसने वेरी हाई स्पीड अटेंड कर ली, वेरी हाई स्पीड मूव विद हाई स्पीड। और हाई स्पीड लगाने के बाद अचानक से इसे ब्रेक लगानी पड़ी, ब्रेक ब्रेक लगाना पड़ गया। ऐसे ब्रेक लगाने की वजह से हुआ क्या, जब उसने ब्रेक लगाया तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुका, जैसा कि मैंने पढ़ रखा था लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड हुआ मतलब आगे तक झुका, और झुकने जैसे हो सकता तो इस कंडीशन में जब आगे तक बढ़ा तो सीट बेल्ट ने
सीट बेल्ट ने उसे ज़्यादा आगे बढ़ने से रोका। अगर सीट बेल्ट ना होती तो क्या होता, वो एक ग्लास को तोड़ करके बाहर निकल जाता, और ग्लास को तोड़ के बाहर निकलता तो उसे चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती थी। लेकिन सीट बेल्ट ने उसके ब्रेक लगाने के टाइम पे उसे इस बात से हेल्प किया कि वो सीधा उसका सर स्टेरिंग से नहीं टकराए, या फिर वो सीधे ग्लास को तोड़ के बाहर ना निकल जाए। सीट बेल्ट जो उतनी कैसे क्या काम, उसको उसने भी टाइम इंक्रीज किया। टाइम कैसे इंक्रीज किया, पहले यहाँ से था, इसने जब इसने फोर्स लगाया सीट बेल्ट को जब फोर्स लगाया तो सीट बेल्ट स्ट्रेच होगी थोड़ी सी, सीट बेल्ट थोड़ी सी स्ट्रेच हुई। स्ट्रेच हुई और स्ट्रेच होकर के उसने मोमेंट रेट ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज किया, जो टाइम पीरियड बहुत कम समय के अंदर होता और फोर्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लग सकता था, उसकी टाइम पीरियड को सीट बेल्ट ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और जिसकी मदद से जो डेंजरस इंजरी हो सकती थी ड्राइवर को वो होने से बच गई। इसीलिए हमें ये बोला जाता है कि हमें सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी सेफ्टी के लिए ही नहीं और दूसरे लोगों के लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है।